दोस्तों आपने देखा होगा वीडियो की शुरुआत में कि मैं इस गाड़ी को लेकर के कितना परेशान हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हमारे साथ में कब होता है, जब हमारी गाड़ी का फ्यूल टैंक पूरा का पूरा ड्रेन हो चुका होता है। और दोस्तों पुराने जो वर्जन की गाड़ियाँ थी बुलेट्स, उसके अंदर कंपनी ने कोई फ्यूल गैस नहीं दिया हुआ था, तो अक्सर करके लोग बाग कहाँ कन्फ्यूज होते थे। तो दोस्तों कन्फ्यूजन कहाँ होता था कि इस गाड़ी के डिज़ाइन के अंदर, ये जो पेट्रोल टैंक की नॉब है इसके डिज़ाइन को लेकर के अक्सर लोग कन्फ्यूज होते थे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ऑफ लिखा हुआ है, ऊपर रिजर्व लिखा हुआ है और नीचे ऑन लिखा हुआ है। हम क्या सोचते थे कि इसका जो डायरेक्शन होता है उसको हमें उस दिशा में रखना है जहाँ पे कि लिखा हुआ है। सपोज करो अभी नीचे ऑन लिखा हुआ है और मैं अगर इसको इधर से इस वाले डायरेक्शन को अगर ऐसे करके रखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये ऑन है, जबकि ये ऑन नहीं है सर। ये यहाँ पे आप देखिए, इस नॉब के इस लीफ के ऊपर एक एरो लगा हुआ है छोटा सा, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये ऊपर की साइड को कंसीडर करेगा, यानी कि रिजर्व को कंसीडर करेगा। तो हम यहाँ कन्फ्यूज होते थे, तो हम इस तरह से अपनी गाड़ी को करके रखते थे और इसका मतलब होता था कि रिजर्व में। तो हमारी गाड़ी का पूरा जो पेट्रोल है पूरा ड्रेन हो जाता था और हमें पता भी नहीं चलता था, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर पहले कोई फ्यूल गैस नहीं होता था और अक्सर करके हमें रोड पे अपनी गाड़ी को खींच के लेके जाना पड़ता था। जबकि देखा जाए तो इसको अगर मैं इस पोजीशन में रखता हूँ, इस पोजीशन में रखने का मतलब है कि ये जो छोटा सा एरो इस लीवर के ऊपर जो बना हुआ है, ये वाला मेरे नाखून के पास में, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ पर मेरा गाड़ी का अभी स्विच ऑन है, यानी कि ये ऑन नीचे है तो ऑन कंडीशन में ये होना चाहिए। आप इस पे मत जाइए, ऊपर रिजर्व लिखा है, आपने सोचा कि ये नॉब इधर हो रही है रिजर्व है, इस पे मत जाइए। आप नीचे वाले इसको देखिए, क्योंकि ये एरो जिधर है, इस लीवर के अंदर एक एरो बना हुआ है, जिस डायरेक्शन में एरो है उधर ही साइड में आपकी गाड़ी का पेट्रोल ऑन है। तो ये एक विशेष जानकारी थी, इसको लेके हमें बहुत कन्फ्यूजन होना पड़ता था और अब आप शायद कन्फ्यूज नहीं होंगे मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में। और इस पुराने वर्जन की गाड़ी के अंदर यहाँ पे हमें कोई भी फ्यूल गेज नहीं मिलता था, सिर्फ एक एम्पियर का गेज दिया हुआ था, जो कि कोई ज़्यादा काम आने वाली चीज़ तो नहीं थी, लेकिन मेन चीज़ होती थी यहाँ पे फ्यूल गेज का होना। और यहाँ पे हमें मिलता था स्पीडोमीटर। तो अक्सर करके बुलेट्स ओनर की हमेशा से ये फीडबैक रहता था रॉयल एनफील्ड के लिए या डीलर्स के लिए कि सर इस गाड़ी के अंदर कम से कम एक फ्यूल गेज तो करवाओ। तो ये सबसे बड़ा एक कमी थी, या कुछ भी मान लो आप, कि ये ड्राइविंग कम्फर्ट के हिसाब से बिल्कुल उचित नहीं था। लेकिन अभी रॉयल एनफील्ड ने जितनी भी नई बाइक्स आ रही हैं रॉयल एनफील्ड की, उन सभी के अंदर उन्होंने फ्यूल गैस देना शुरू कर दिया है। तो अभी के जो ओनर हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई वो अपना फ्यूल गैस में फ्यूल देख सकते हैं कि उनके रिजर्व में कितना फ्यूल बचा हुआ है। लेकिन जो पुराने लोग थे उनके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बनाया है ख़ास तौर से, कि वो इस नॉब का विशेष ध्यान रखें कि इसको रिजर्व किधर करना है और ऑन किधर करना है। तो ये खास ध्यान देने वाली चीज़ थी जो कि मैंने आपको शेयर करना चाहा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति से मैं रूबरू हुआ, आप कम से कम उस स्थिति का सामना ना करें। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।